बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार में से एक सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म गदर 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने करीब 450 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और इस फिल्म को अभी भी सिनेमाघरों में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म गदर 2 ने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस तरह से साल 2001 में रिलीज हुई गदर को लोगों ने पसंद किया था, ठीक उसी तरह फिल्म गदर 2 को लोगों ने बहुत प्यार दिया है। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि सनी देओल ने अपनी फिल्मों की फीस को बढ़ा दिया है। बता दें कि खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल आर खान और KRK अपने ट्वीट के लिए काफी मशहूर है। KRK अक्सर फिल्म स्टार और उनकी फिल्मों के बारे में अपनी राय जाहिर करते रहते हैं। हालांकि KRK को उनकी राय को लेकर लोग जमकर ट्रोल करते हैं। जब KRK ने गदर 2 एक्टर सनी देओल को लेकर ट्वीट किया और इसमें उनकी फीस को लेकर बात की है, KRK ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक प्रोड्यूसर सनी देओल से मिले और उन्होंने फिल्म साइन करने के लिए कहा। सनी देओल ने उनसे 50 करोड़ रुपए फीस मांगी। हालांकि अभी सनी देओल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। वही सनी देओल ने अपनी एक्टिंग से फिल्म में जान डाल दी है और लोगों को एक बार फिर सनी देओल का यहाँ जादू ही देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुँचे हैं। सनी देओल ने अपनी दहाड़ से लोगों के मन में देश प्रेम का जज्बा जगा दिया है। उनकी इस हिट फिल्म के बाद सनी देओल की इंडस्ट्री की वैल्यू बढ़ गई है और लिहाजा अब उन्होंने अपनी फीस बढ़ा देने का फैसला किया है। वही फिल्म में क्लेशन के बारे में बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेजी से 450 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने ये उपलब्धि महज 17 दिनों में हासिल कर ली। ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक जहां पठान को यहां आंकड़ा पार करने में 18 दिन लगे, वहीं बाहुबली 2 को 450 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने में 20 दिन लगे। ऐसे ही मूवी न्यूज़ जानने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब जरूर करें।